हाय, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? तो आज सितंबर की 5 तारीख है और आज है टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। हम बचपन से इस दिन को मनाते आए हैं। स्कूल में थे तो हर एक टीचर को विश किया करते थे, जाते थे, प्रोग्राम करते थे। आज के दिन गिफ्ट देते थे हम टीचर्स को, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा भारत में बहुत पहले से रही है और हम भी उसी चीज़ को सीखते हुए आ रहे थे। जिस उस्ताद से आप सीखते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ असर कर देता है। और मुझे लगता है कि टीचर्स डे एक मौका होता है जहाँ हम अपने टीचर्स के लिए प्यार जता सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, शुक्रिया हमें सब कुछ सिखाने के लिए, हमें नई दुनिया से मिलवाने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहली गुरु रही है मेरी माँ, जो मुझे सही गलत, जिंदगी, इन सब के बारे में बताती रही, जिसने बताया कि दुनिया ऐसी है। देखो, मेरे पहले टीचर, जब मैं स्कूल में गया तो उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, कहानियों से मिलवाया। वो टीचर्स जिन्होंने मेरे हाथ में छड़ी लगाई और कहा कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो ऐसी ही मार पड़ेगी दुनिया से। मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ तो मेरा वो पहला बॉस जिसने मुझे मेरी आज़ादी का एहसास दिलवाया, जिसने कहा कि अगर तुमसे कोई अपना काम करवा रहा है और बदले में पैसे दे रहा है तो वो तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीनेगा। और वो आज़ादी एक वेतन के रूप में मुझे मिलती रही। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर मुझे हर किसी ने कुछ सिखाया ही सिखाया। मेरा वो दोस्त जिसने मुझे दोस्ती के मायने सिखाए, जिसने बताया कि जब कोई साथ नहीं होगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, जो ठीक से बात नहीं करता लेकिन मेरे लिए जो ठीक हो वो बात जरूर करता है। मेरे जीवन का वो पहला लिसनर जिसने मुझे बताया कि तुम्हारी कहानियां दुनिया को बताई जा सकती हैं, तुम्हारी कहानियों को दुनिया सुनेगी। और जिस पर मैंने यकीन किया, जब पहली बार ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पर मैं वीडियोस डालने वाला था ना, तब एक यार था जिसने कहा, सुन, अगर तू अपनी आवाज़ को इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाएगा तो शायद कहीं ना किसी को किसी ना किसी तरह का आराम मिलेगा, तो ट्राई तो कर। और मैंने ट्राई किया, दुनिया तक आवाज़ पहुंची, दुनिया से प्यार मिला और मिल रहा है। तो उस दोस्त को शुक्रिया जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। मेरे जीवन का प्रेम जिसने मुझे बताया कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, किताबों से बाहर निकल कर देखो, दुनिया को देखने के अलग मायने भी तुम्हें मिल सकते हैं। मेरे जीवन के वो लोग जो जिंदगी में आए और उसके बाद चले गए, उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर रिश्तों को संभाल कर नहीं रखोगे तो वो एक दिन तुमसे बिखर जाएंगे। जिंदगी ना हमें हर मोड़ पर सिखाती है, तो सबसे अच्छी टीचर तो जिंदगी। शुक्रिया जिंदगी, तुम्हें टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा ना, कई ऐसे लोग होंगे जो एक वक्त के बाद चले गए होंगे, जिनकी कमी महसूस होती होगी और जिन्होंने सिखाया होगा कि खोना क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें बहुत खूबसूरत एहसास दिए होंगे, जिन्होंने तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती के मायने सिखाए होंगे। आज एक काम करना, कमेंट में उनको शुक्रिया जरूर करना जो तुम्हारी जिंदगी में एक अलग बदलाव लाए हैं, जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहते हैं, जिन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। आज हम उन सबको विश करेंगे जो हमारी जिंदगी में बदलाव लाए। तो आज का गुड नाइट नोट हमारे सारे टीचर्स के लिए ही समर्पित है और उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाया है। तो शुक्रिया इसे सुनने के लिए। अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना, वक्त पर सो जाना,
मैं मिलूंगा अगले गुड नाइट नोट में लेकर के कुछ नई बातें और खूबसूरत एहसासों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।